दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस ओटीटी के कंटेस्टेंट एंड एक्ट्रेस उर्फी जावेद की लाइफस्टाइल के बारे में। तो दोस्तों अगर आप भी उर्फी जावेद के लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों उर्फी जावेद का जन्म 15 अक्टूबर 1996 को उत्तर प्रदेश लखनऊ में हुआ। उर्फी ने अपनी सारी पढ़ाई लखनऊ से कम्प्लीट की। उर्फी की मम्मी का नाम जाकिया सुल्ताना है। इनकी दो छोटी बहनें हैं जोली जावेद और आसफी जावेद। उर्फी की बड़ी बहन का नाम उरूस जावेद है। उर्फी जावेद का एक छोटा भाई है जिसका नाम समीर है। अब चलते हैं उर्फी जावेद के फिजिकली ओवरव्यू की तरफ। इनकी हाइट 5 फुट 2 इंच है। इनका वेट 45 किलो है। बता दें कि उर्फी जावेद इस्लाम धर्म से बिलोंग करती हैं। इनका जोडियक साइन लिब्रा है। अब बात करते हैं उर्फी जावेद की एक्टिंग करियर के बारे में। तो इन्होंने टेढ़ी मेढ़ी फैमिली सीरियल से अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद इन्होंने बड़े भैया की दुल्हनिया सीरियल में काम किया और कई बेहतरीन सीरियल्स में उर्फी जावेद अलग अलग कैरेक्टर निभा चुकी हैं। टीवी सीरियल के अलावा दोस्तों उर्फी जावेद कई वेब सीरीज में काम कर चुकी हैं। अगस्त 2021 में उर्फी ने कलर्स टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी में बतौर कंटेस्टेंट काम किया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर उर्फी जावेद की काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है। इंस्टाग्राम पर उर्फी को आज 15 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं उर्फी लाइफ की मैरिटल स्टेटस के बारे में। तो उर्फी जावेद अनमैरिड हैं, सिंगल हैं। इसके अलावा उर्फी के पास एक्स बॉयफ्रेंड का नाम है पारस कलंदवत, जो कि सीरियल मेरी दुर्गा में इनके को एक्टर थे। अब बात करते हैं उर्फी के फेवरेट हॉबीज के बारे में। तो उर्फी जावेद को कपकेक और ऑमलेट खाना पसंद है। इसके अलावा उर्फी की फेवरेट एक्टर आलिया भट्ट है। इसके अलावा उर्फी को सिंगिंग, वर्कआउट, ट्रैवलिंग, बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। बता दें कि उर्फी जावेद मुंबई के फ्लैट में रहती हैं और इनकी फैमिली लखनऊ में रहती है। उर्फी के पास होंडा सिटी कार है जिसकी कीमत लगभग 12 से 15 लाख है। इसके अलावा उर्फी अपने एक सीरियल के एपिसोड के लिए 50 से 60 हज़ार रुपये चार्ज करती हैं। तो आपको उर्फी जावेद की लाइफ के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।